आप सबका स्वागत है के पी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में आज का जो टॉपिक है वो अमेरिका का जो संविधान है, ठीक है ना, उसके उदय को लेकर हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे कि जो अमेरिका का संविधान है उसके निर्माण को लेकर कौन कौन से स्रोत हैं जो अमेरिकी संविधान के निर्माण में सहयोग किया, या अमेरिकी संविधान का एक स्रोत है, ठीक है ना। यानी जैसे कहते हैं कि अगर कुएं में पानी, या फिर कह सकते कि एक टांका है, टांके में पानी कहाँ से आ रहा है, नल से आ रहा है, तो नल से आने का वो टांके के लिए सोर्स हुआ। वैसे ही अमेरिकी संविधान के निर्माण में ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो इसके संविधान को बनाते हैं, तो उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकी संविधान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको अपने एग्जाम को लेकर, क्योंकि अमेरिका का संविधान है विश्व का पहला ऐसा संविधान है जो लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना है। तो एक सिंपल सी बात ये आती है कि संविधान क्यों ज़रूरी होता है। तो संविधान इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक देश की शासन व्यवस्था चलानी है तो इसके लिए नियमावली होनी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा सभी के प्रति समान व्यवहार और समान कानूनी दायरा लगाया जा सके, तो वो संविधान के द्वारा होता है, ठीक है। तो संविधान निर्माण के स्रोतों की हम बात करें तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलते, तो पहले पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे। और पहले पॉइंट में अमेरिकी संविधान के स्रोत के संबंधित बात करें तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा संविधान का निर्माण हुआ था। सम्मेलन जब हुआ तो इस सम्मेलन के द्वारा ही क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। तो अभी ध्यान रखेंगे आप इस, ये ध्यान रखना, ये सम्मेलन अमेरिकी संविधान में बहुत मायने रखता है। तो फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन है वो कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन हुआ था वो 1787 में हुआ था। तो फिलाडेल्फिया का ये जो सम्मेलन हुआ था, फिलाडेल्फिया का स्थान है वहाँ पर, तो इस सम्मेलन के दौरान ही संविधान के निर्माण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि एक शुरुआत हुई और उसको लेकर एक डिस्कस हम यहाँ पर करते हैं। तो ध्यान रखना है कि अमेरिकी संविधान का आज बहुत अधिक विकास हो चुका है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा अब भी वही है, स्ट्रक्चर अब भी वही है। तो 1787 में फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो उस समय तैयार हुआ था। ये जो अमेरिकी संविधान का जो ढांचा है उसका स्ट्रक्चर वो उस समय तैयार हुआ। यह ढांचा संविधान का वह अस्थि पंजर है जिस पर संवैधानिक संशोधन, व्यवस्थापन, न्यायिक निर्णय और परंपराओं के अकॉर्डिंग आवश्यकता की जो चर्बी है वो इस पर चढ़ी है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अमेरिकी संविधान का ढांचा कब तैयार हुआ, 1787 से, और उस समय आप ध्यान रखना इस संविधान का ढांचा तैयार हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, क्योंकि वास्तविक में आपको पता होगा अमेरिकी संविधान है वो 1789 में तैयार हुआ था पूरी रूप में, ठीक है, लेकिन इसका ढांचा कब से, कब के सम्मेलन में बना था, तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। तो ये पहला जो सोर्स है, यानी आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा इसके संविधान बनने में संविधान संशोधन हुआ। संविधान क्या हुआ? संशोधन, या हम इसको एक ये भी कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत जब ये ढांचा तैयार हुआ तो इस ढांचे में जो संशोधन हुआ था उसको हम कहेंगे संवैधानिक संशोधन, क्योंकि संविधान के अंतर्गत रहते हुए जब कोई संशोधन होता है वो संवैधानिक संशोधन कहा जाता है, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें कि कौन सा संशोधन है वो संवैधानिक रूप में वहाँ पे हुआ। तो ध्यान रखना कि अमेरिकी संविधान में संवैधानिक संशोधन में संविधान के विकास क्रम को बढ़ावा दिया, और अमेरिकी संविधान में अब तक, अमेरिकी संविधान में अगर अब तक बात करें, जब 2015 तक अपने सिलेबस में जेएनयू का 2015 तक का है अपडेट, तो उस अकॉर्डिंग अगर कहें तो अब तक इसके संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, 27। कितने संशोधन हो चुके हैं? 27 हो चुके हैं, जिनमें से कुछ अधिक प्रमुख संशोधन जो संविधान हुए, यानी कुछ 27 में से कुछ ऐसे प्रमुख संशोधन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं उस संविधान के अंतर्गत, अमेरिकी संविधान में, तो वो ध्यान रखना है। एक तो 13वां संशोधन जो हुआ था, 13वां, 14वां और 15वां, ये जो संशोधन हुआ, ठीक है ना, 13वां, 14वां और 15वां संशोधन जो हुआ अमेरिकी संविधान के अंतर्गत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसके तहत प्रथम दस संशोधन द्वारा नागरिकों के अधिकार पत्र को सम्मिलित किया गया था। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले 1 से लेकर 10 जो संशोधन हुआ, 1 से लेकर 10, उसके तहत अमेरिकी लोगों को
अधिकार पत्र के तहत अधिकार मिले। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी 1 से 10 संशोधन के तहत अमेरिकी संविधान में उनको अधिकार पत्र शामिल किया गया, जिसके तहत अमेरिकी लोगों को अधिकार है वो सुलभ एक व्यवस्थित रूप में प्राप्त हुए थे। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो 13, 14 और 15 संशोधन था, क्योंकि इन संशोधन के द्वारा ग्रह जो शीत युद्ध चल रहा था ना, आपको पता होगा ग्रह युद्ध चल रहा था, तो इस ग्रह युद्ध को लेकर कुछ सुविधाजनक व्यवस्था करने के लिए परिवर्तन किया गया था। फिर 17वां संशोधन हुआ था, इसके द्वारा संविधान में 17वां संशोधन हुआ, इसके द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। जो 17वां संशोधन है वो ध्यान रखना, 17वें संशोधन के द्वारा सीनेट की प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया, यानी आप ध्यान रखना सीनेट में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ था, 17वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा सीनेट में अब निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। फिर 26वां जो संशोधन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे, जो 26वां संशोधन हुआ था अमेरिकी संविधान में, उसके द्वारा मतदान की आयु 21 थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। कितनी कर दी थी? 18 वर्ष आयु कर दी। किसकी आयु? मतदान की आयु। तो इस तरह से समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अमेरिकी संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए जिससे अमेरिकी संविधान अपने आप में विकसित होता गया और एक नया मजबूत संविधान आपके सामने है। तो ये 26वां संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम अमेरिकी संविधान के स्रोत की बात करें तो तीसरा कौन सा स्रोत है जो अमेरिकी संविधान को महत्वपूर्ण बनाता है, तीसरे स्रोत के बारे में जब हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप दिमाग में रखेंगे। तीसरा, व्यवस्थापन या कांग्रेस का अधिनियम। तो तीसरे हम बात करेंगे, थोड़ा म्यूजिक भी है तो इसका आनंद लीजिए, ठीक है ना, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। हम बात करें व्यवस्थापन और कांग्रेस का अधिवेशन। व्यवस्थापन यानी व्यवस्था करने को लेकर कि अपने एक अमेरिकी जो संघ है उसमें और राज्यों के बीच क्या व्यवस्था की जाए, और कांग्रेस को एक किस अधिनियम के तहत क्या दर्जा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे सीनेट और कांग्रेस, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे ही वहाँ पे सीनेट, वैसे ही वहाँ पे क्या है, सीनेट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है। अब एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है कि कांग्रेस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक संसदन कह सकते हैं वो है। तो 1789 में लागू किए गए संविधान ने नवीन सरकार के मूल ढांचे मात्र की व्यवस्था की और संविधान निर्माताओं के विस्तार की बातों के संबंध में व्यवस्था की। कांग्रेस ने अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए जिसके आधार पर सरकार के अनेक अंगों के गठन, कार्यों और कार्य पद्धति को निश्चित किया गया था। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात फ्रेंड्स ये है, और डियर स्टूडेंट, कि संविधान में राष्ट्रपति की कैबिनेट के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया, और प्रसंगवश कार्यपालिका विभागों के कार्याधीक्षक शब्दों की व्याख्या की गई थी। तो कांग्रेस अधिनियम पारित हुए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यवस्थापन और कांग्रेस अधिनियम को किया गया, और ये 1789 के अंदर एक महत्वपूर्ण तत्व था जो अमेरिकी संविधान को मजबूत बनाता है या इसका स्रोत करता है। फिर एक कार्यपालिका द्वारा विकास। कार्यपालिका द्वारा विकास यानी समय के अंतर्गत हम बात करें समय की इस दरमियान में, तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकी संविधान में और महत्वपूर्ण बातें आई और महत्वपूर्ण हो गया, क्यों कि जब कार्यपालिका द्वारा अमेरिकी संविधान को और ज़्यादा मजबूत बनाया गया, तो अमेरिकी संविधान को मजबूत और उसको इसके स्रोत में यानी अमेरिकी संविधान को एक व्यवस्थित बनाने के रूप में, इसके स्रोत के रूप में कौन कौन से पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो 34वां पॉइंट है कार्यपालिका द्वारा इसका और विकास किया गया। वहाँ की जो कार्यपालिका थी, इसमें ध्यान रखें अमेरिकी संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पद ने भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की संविधान पर इतनी अधिक छाप देखी जाती है। यानी ये कुछ प्रमुख जो राष्ट्रपति जिनका मैंने नाम का जिक्र किया, जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये ऐसे प्रमुख राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यशैली का, उनके कार्यशैली की यानी उनके होने से, उनके कार्य करने से संविधान को और बढ़त मिली यानी मजबूती मिली। और संविधान निर्माताओं में
के अंतर्गत ये व्यक्ति जाने जाते हैं। तो इन राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करके व्यवस्थापिका और प्रशासन दोनों पर ही अपना नेतृत्व स्थापित किया और संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, किंतु प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने मंत्रिमंडल की रचना की और वे परामर्श लेने लगे, तभी से मंत्रिमंडल शासन का आवश्यक अंग बन गया। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति वॉशिंगटन के बाद उनके समय होने से वो फिर मंत्रिपरिषद की व्यवस्था का संचालन हुआ। तो इस तरह से कार्यपालिका दर बदर इसमें आने से संविधान को और ज़्यादा मजबूती मिली। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट, अभी क्या है कि थोड़ा नीचे पॉइंट बढ़ जाए इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो आप ध्यान रखना। पांचवें पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि चार पॉइंट तो हो चुके हैं, पांचवें पॉइंट ऊपर हैं, न्यायिक व्यवस्था है। बिल्कुल अमेरिकी संविधान के स्रोत में न्यायिक व्यवस्था ने बहुत योगदान दिया। न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे और समझेंगे। न्यायिक व्यवस्थाओं ने अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये बात आप भूलेंगे नहीं, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि कांग्रेस और राज्य को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून और प्रशासनिक सत्ता के किसी भी कार्य को सर्वोच्च न्यायालय और अन्य किसी संघीय न्यायालय में इस प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती जो संविधान के प्रतिकूल है। तो न्यायपालिका निर्णय देने से पूर्व संविधान से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करता है और प्रत्येक नवीन व्याख्या के परोक्ष में संविधान का संशोधन किया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं संविधान, संविधान ने एक बैकबोन, संविधान को सपोर्ट किया है न्यायपालिका ने, क्योंकि वहाँ पे न्यायपालिका सर्वाधिक शक्तिशाली है, विश्व के अन्य किसी भी देश से ज़्यादा शक्तिशाली अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था है। तो अमेरिका की न्याय व्यवस्था ने संविधान को मजबूत भी किया है और साथ ही साथ अगर अपना कोई निर्णय देना है उससे पहले वह संविधान को महत्व देते हुए उसमें कुछ परिष्कृत संशोधन भी करती है और अपना निर्णय देती है। तो इस तरह से एक न्यायिक व्यवस्था ने संविधान की मर्यादा को बनाए रखा और उसको मजबूत भी किया है। तो न्यायिक व्यवस्था यानी न्यायिक जो वहाँ की व्यवस्था है उसने वहाँ की संविधान को एक व्यवस्थित स्रोत के तौर पर मुकाम स्तर उपलब्ध कराया है। और लास्ट में हम बात करें परंपराएं, और परंपराएं किसी भी संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है। परंपराएं कुछ ऐसी बातें जो समय दर समय उसमें शामिल की गई और आने वाले समय के अंतर्गत लोगों ने उसी बातों को परंपरा को मानते गए, तो वे परंपराएं भी संविधान का अंग बन गई। तो ये तो आपको पता होगा ब्रिटेन का संविधान परंपराओं के आधार पर ही तो निर्मित है। अमेरिकी संविधान में परंपरा को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जितना कि ब्रिटेन का है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान तो परंपराओं के आधार पर ही निर्मित है, लेकिन फिर भी ये स्वीकार कर दिया गया है कि अमेरिकी संविधान में न केवल परंपराओं का अस्तित्व है वरन उसे महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है, यानी कुछ हद तक कुछ परंपराएं भी हैं जो अमेरिकी संविधान में महत्व रखती हैं। प्रथाएं और परंपराओं की कुछ बातों के संबंध में अमेरिका के संविधान को ऐसा रूप प्रदान किया है कि संविधान के लिखित प्रावधानों के नितांत विपरीत बात प्रतीत होती है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण, परंपरा का एक उदाहरण हम समझें कि कौन सी परंपराएं हैं जो अमेरिकी संविधान में शामिल है। तो ध्यान रखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित उपबंध जिनमें संविधान निर्माताओं की इच्छा के विपरीत राष्ट्रपति के चुनाव को व्यवहार में प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दिया गया। संविधान निर्माताओं ने ये नहीं किया था, ये व्यवस्था भी नहीं थी वहाँ पे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में परंपरा ये बन गई कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो ये उस शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये परंपरा बन गई, अब हमेशा राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक डायरेक्टली होता है और ये परंपरा बन गई वहाँ की, ठीक है। तो परंपराओं के कारण ही राष्ट्रपति को नेक और कार्यपालिका प्रमुख वरन राजनीतिक दल का सामान्य राजनीतिक नेता भी समझा जाता है। और दूसरी बात करें सीनेट, तो सीनेट को भी परंपराओं के अंतर्गत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीनेट को एक यहाँ पे मजबूत पक्ष के तौर पे कह सकते हैं, सदन के तौर पे जाना जाता है और ये परंपरा के वजह से हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे या कुछ पॉइंट थे जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि अमेरिकी संविधान है उसमें समय दर समय कुछ सोर्स कुछ परंपराएं भी बनी हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जो अमेरिकी संविधान को मजबूत करती गई। तो आपके एग्जाम में प्रश्न यही आएगा, अमेरिकी संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं वो लिखिए। तो आपके सामने 6 पॉइंट है जिसको मैंने आपके सामने यहाँ पे समझाए हैं, तो इसको आप ज़रूर नोट करेंगे और आने वाले एग्जाम में इस वीडियो को आप अच्छे से समझ के अच्छा लिख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, क्योंकि विशेषता हर संविधान से संबंधित मायने रखती है, संविधान को पूरी तरह से व्याख्या करती है कि संविधान कैसा है। तो अमेरिकी संविधान के संदर्भ में उसकी विशेषताओं के संदर्भ में आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।